हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं वो है नोटिस पीरियड। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उस प्रोस्पेक्टिव से कि जब आप किसी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, इवन आप अगर सरकारी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि नोटिस पीरियड क्या होता है, कितने दिन का होता है और क्या क्या चीज़ें नोटिस पीरियड में ध्यान रखी जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिस पीरियड होता क्या है। ठीक है, तो नोटिस पीरियड जो है ये एक समय होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को देती है ताकि वो अपना हैंड ओवर कर सके या नॉलेज ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं वो अपने काम का कर सके और वो अपने दूसरे एम्प्लॉय जो उसकी जगह लेने वाला है उसको वो काम सिखा सके। ठीक है, तो इस ये जो समय होता है इसको नोटिस पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें नोटिस पीरियड जो होता है इट्स अ टाइम स्पेंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर यू लीव। ठीक है, तो जो वो जो समय होता है, ठीक है, वो जो आखिरी दिन के जो कुछ दिन होते हैं जो आप कंपनी में बिताते हैं, ठीक है, उसको हम नोटिस पीरियड में काउंट करते हैं। और नोटिस पीरियड हर एक कंपनी में अलग अलग प्रकार से होता है। किसी कंपनी में 1 मंथ होता है, किसी में 2 मंथ होता है, किसी में 3 महीने तक जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपनी में वैरी करता है। आजकल बहुत सारी कंपनी में 3 महीना हो गया है और कई कंपनी में अभी भी 1 महीना चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नोटिस पीरियड में जो है आप अपना रेगुलर टास्क परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपका मेन फोकस होगा वो नॉलेज ट्रांसफर की तरफ होगा, वो केटी की तरफ होगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जो है हैंड ओवर अपने कुलीग को देना पड़ेगा जो आपकी जगह ले रहा है, ताकि उसको बाद में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पीरियड के दौरान आपको क्या क्या करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें हैं जो आपको नोटिस पीरियड के दौरान करनी है। सबसे पहली चीज़ है नॉलेज ट्रांसफ़र। नॉलेज ट्रांसफ़र जैसे मैं पहले बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आपको जो अपने कुलीग हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह से सिखाना होता है जो आप काम कर रहे होते हैं, और जो भी उसको प्रॉब्लम आती है तो जिस समय आप नोटिस पीरियड पे हैं तो उस समय ही आप उसको बता के और उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये काम ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, अगर कोई परेशानी आती है इन फ्यूचर तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये नॉलेज ट्रांसफर का हिस्सा होता है। दूसरा जो है परफॉर्मिंग द टास्क गिवन। ठीक है, तो जो आपको टास्क दिया गया है वो तो आपको परफॉर्म करना ही है, जो आपके केटी में जो टास्क है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नोटिस पीरियड में हैं तो आप टास्क परफॉर्म ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको नोटिस पीरियड में रखा गया है और जो आपका रेगुलर टास्क होगा वो आपको तो परफॉर्म करना ही रहेगा। हाँ, आपको कोई एडिशनल टास्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन जो आपका डेली डेली जो रेगुलर बेसिस पे जो टास्क है वो आपको अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर अगले में चलते हैं, गेट नो ड्यू साइन। अब नो ड्यू साइन का क्या मतलब होता है, कई कंपनियों में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों में कि वहाँ आपको लैपटॉप मिलता है, कई कंपनियों में मोबाइल भी मिलता है, जैसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में मोबाइल मिलता है, टैब भी मिलता है। ठीक है, तो जब आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होते हैं तो नोटिस पीरियड के आखिरी दिन जो है आपको नो ड्यू स्लिप साइन करवानी होती है। ठीक है, इस नो ड्यू स्लिप में क्या होता है, ये आपको हर एक डिपार्टमेंट से साइन करवानी होता है, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आईटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, मतलब कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो हर एक डिपार्टमेंट से आपको नो ड्यू साइन करवानी होती है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आपकी तरफ से कोई टास्क पेंडिंग नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है तो ऐसा मतलब आपने लैपटॉप जमा करवा दिया है, आपने मोबाइल जमा करवा दिया है, फिर फाइनेंस टीम के पास आप नो ड्यू साइन करवाने जाएंगे ताकि वहाँ आपका ये क्लियर हो सके कि आपने जो भी लोन लिया हुआ था वो लोन आपने चुका दिया या आपको कोई फाइनेंशियल ड्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ को आपको करना पड़ता है, और जब आपका नो ड्यू साइन हो जाता है तभी आपको आगे जो है एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर मिलता है। अब जो अगला आता है वो है सीकिंग फॉर अ रेफरेंस। ठीक है, अब ये कुछ कंपनियों में कम होता है, कुछ कंपनियों में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप अपने मैनेजर से आपका अच्छा बनता है, अपने सुपरवाइजर से आपका अच्छा बनता है, तो नोटिस पीरियड के दौरान ही आप उनसे जाके एक छोटा सा रेफरेंस लेटर लिखवा सकते हैं, क्योंकि आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वो रेफरेंस चेक होगा ही होगा। तो अगर आपको पास पहले से ही रेफरेंस लेटर रहता है तो बहुत ही आसान हो जाता है दूसरी कंपनी में रेफरेंस चेक। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अगर आप ले सकते हैं तो अपने सुपरवाइजर या अपने मैनेजर से जाके रेफरेंस लेटर आप सीख कर सकते हैं।
नहीं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आखिरी स्लाइड है इसमें बताया गया है कि जब नोटिस पीरियड आपका खत्म हो जाता है तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहली जो चीज है वो आपको मिलेगी आपका रिलीविंग लेटर। अब रिलीविंग लेटर जो होता है वो एक लेटर होता है जिसमें आपका रिलीव मतलब आपको कब छोड़ा गया कंपनी से वो बताया जाता है, मतलब करंट एम्प्लॉयर ने आपको कब छोड़ा, ठीक है, वो बताया जाता है, और आपका आखिरी दिन कब था ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज बेसिकली रिलीविंग लेटर। तो उसको हम रिलीविंग लेटर बोलते हैं, ये एचआर के द्वारा जो है इशू किया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एक्सपीरियंस लेटर। अब एक्सपीरियंस लेटर नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस लेटर होता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये भी एचआर के द्वारा दिया जाता है, और एक्सपीरियंस लेटर में आपके कंसोलिडेटेड ईयर दिए होते हैं, मतलब किसी कंपनी में आपने कितने समय तक काम किया है, ठीक है, कंसोलिडेट करके पूरा का पूरा डाटा दिया जाता है कि इस पर्सन ने हमारी कंपनी में, ठीक है, 1.5 साल काम किया, 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, डिपेंडिंग। तो वो एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होता है, वो रिलीविंग लेटर में मेंशन नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए ये है एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है। फिर तीसरा होता है एफएनएफ, जिसको हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी बोलते हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है, जब आप अपना नोटिस पीरियड सर्व कर लेते हैं तब आपको ये 45 डेज के अंदर दिया जाता है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपका जो सैलरी होती है, लास्ट मंथ की सैलरी आपको नहीं मिलती है, लास्ट मंथ की सैलरी आपको 45 डेज के बाद मिलती है। इस 45 डेज में क्या होगा, अकाउंट्स टीम जो कंपनी की है वो पूरी जांच पड़ताल करेगी कि आपके पास कोई पेंडिंग फाइनेंशियल तो नहीं रह गए हैं, या कंपनी को आपसे कुछ फाइनेंस लेना तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन जो है लोन ले लेता है कंपनी से और वो रीपे नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो जितना भी वो लोन लिया होगा वो अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा और फिर बाकी अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए 45 डेज लिए जाते हैं ताकि पूरा का पूरा फाइनेंशियल तरीके से जो अकाउंट्स की टीम है वो पूरा चेक कर ले और देख ले कि भाई कोई चीज़ें जो है फाइनेंस के तौर पे तो छूटी नहीं है। तो चाहे अगर आपका आपसे पैसे लेने भी होंगे तो भी वो डिडक्ट हो जाएगा, अगर कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल कई कंपनियों में लीव इनकैशमेंट होता है, ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट आपकी लिस्ट बाकी है, मान लीजिए 5 लीव्स आपकी बाकी है, तो जब 45 डेज में आपका क्या होगा, वो 5 दिन के एक्स्ट्रा पे भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए 45 डेज जो है इम्पोर्टेंट रखता है, तो इसलिए ये एफएनएफ दिया जाता है 45 डेज के बाद। अब आखिरी में, जैसे मैं पिछले स्लाइड भी बताया, रिकमेंडेशन लेटर। तो रिकमेंडेशन लेटर जो है आपको अपने मैनेजर से या अपने सुपरवाइजर से मिल जाता है, आपको उनसे जाके बात करनी पड़ती है। ये इतना बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि जब किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका रेफरेंस चेक होता है, तो जब रेफरेंस चेक होगा तो ऑलरेडी वो आपके सुपरवाइजर या आपके मैनेजर से बात करते ही करते हैं। तो ये वैसे ले लेना अच्छा रहता है, आप जाके अपने मैनेजर से बात करके या सुपरवाइजर से बात करके एक रिकमेंडेशन लेटर ले लें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन अगर नहीं भी ले पाते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों, ये है नोटिस पीरियड में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और एक और चीज़ है दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूँ, कई कंपनियों में रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर एक साथ दे दिया जाता है, या कई कंपनियों में रिलीविंग लेटर ही दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। जिसमें रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर दोनों एक साथ देते हैं, तो उसमें आपका जिस दिन आपने कंपनी छोड़ी और आपका एक्सपीरियंस दोनों उसमें मेंशन कर दिया जाता है, और वहां पे रिलीविंग लेटर कम एक्सपीरियंस लेटर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर आपको कोई कंपनी रिलीविंग लेटर देती है और आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता है, तो एक बार आप जरूर पूछ सकते हैं कि एचआर से बात कर सकते हैं कि मेरे को एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए था, तो वो आपका डाउट क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों, और होप करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। मेरा तो यही कोशिश रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एचआर रिलेटेड नॉलेज दे सकूं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इन सब के बारे में ज्ञान है, और इन सब के बारे में भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था, और होप करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।